सिंगरौली में शिवसेना ने एक विशाल बाइक रैली निकाली और सिंगरौली कलेक्ट्रेट पहुंचकर जन समस्याओं के समाधान के लिए ज्ञापन सौंपा। शिवसेना सिंगरौली इकाई के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र दुबे के साथ जिला प्रमुख रामदयाल पांडे, जिला अध्यक्ष संदीप रब्बानी के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट के सामने जन समस्याओं को लेकर ज्ञापन कलेक्ट्रेट के प्रतिनिधि को सौंपा गया। NCL खाड़िया दूधी चुआ परियोजना द्वारा प्रदूषित पानी बलिया नदी में छोड़ा जा रहा है, जिसके आम जनता और जलीय जीवों को खतरा है। इसके अलावा NTPC शक्तिनगर द्वारा तेलगांव से शाहपुर तक की पाइपलाइन में बार बार फटने के कारण भारी राख बलिया नदी में जमा हो रहा है, जिससे रिहंद डैम का पानी विषैला होता जा रहा है। शिवसेना ने चेतावनी दी है कि यदि 15 दिनों के भीतर समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र नाथ दुबे ने कहा कि यहां के लोग बेरोजगार हैं, जबकि स्थानीय कंपनियों में रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे हैं। जिला प्रमुख रामदयाल पांडे ने प्रदूषण की बढ़ती समस्याओं पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि शासन प्रशासन को जन सुरक्षा के मुद्दे पर गंभीरता से ध्यान देना होगा। कहना इसमें क्या है, मैं तो देख रहा हूँ कि खाली ये सुनने वाले हैं, हम कहने वाले हैं। कुछ परिणामजनक स्थिति उत्पन्न हो तो ये लगता है कि हाँ हम माथा पीट कर गए और ये जो है हमको दवाई दे दिए। सबसे बड़ी मांग है कि यहाँ पर जो रोजगार का सृजन ये लोग कर नहीं रहे हैं, भाई फैक्ट्रियों में रोजगार यहाँ के युवाओं को दे नहीं रहे हैं, तो आखिर में ये जाएंगे कहाँ पर? यह राष्ट्र का मामला है। राष्ट्र मामला में चूंकि इनको बार बार समझाना दिखाना बताना पड़ता है, इन लोगों को बताते बताते बहुत बार बताए लेकिन नहीं सुन रहे हैं। आने वाले 15 दिन में यदि संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई तो आपके चैनल के माध्यम से मैं यह बता देना चाहता हूं कि शिवसेना जिस नाम के लिए जानी जाती है, उग्र आंदोलन होगा तो होगा। समय रहते ध्यान दें कि शिवसेना अपनी पे उतरेगी तो रोडों पे तांडव होगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।